वेलकम टू ए बी कैम्पस आज हम कंपनीज एक्ट टू में सेक्शन 16 को कवर करेंगे जिसका टाइटल है रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स तो बेसिकली इसके अंदर हम फाइव पॉइंट्स डिस्कस कर रहे होंगे सबसे पहले ब्रीफली प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे क्योंकि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को रजिस्टर करवाने का मतलब है कंपनी को रजिस्टर करवाना फिर इसके बाद मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जो रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाते हैं उनका प्रोसीजर क्या होता है इन केस के अगर uh, रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करने से रिफ्यूज़ कर दे तो फिर अपील जो है वो कैसे की जा सकती है और फिर क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है वो डिस्कस करेंगे फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कॉन्टेंट्स क्या होते हैं और इसका एविडेंस के तौर पर इसकी लेवल क्या होता है और एंड में एक स्पेसीमेंट सर्टिफिकेट भी आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें आप एक एक्चुअल सर्टिफिकेट देखकर कर आइडिया लगा सकते हैं कि उस सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं और ये सर्टिफिकेट देखने में कैसा लगता है सबसे पहले प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर करवाने के लिए हमें जो स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं उसमें सबसे पहले तो हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल नेम लेनी होती है यानी बाजू का तो हो सकता है कि आप एक नाम की बेस पर डॉक्यूमेंट्स बना दें और पता चले कि वो नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो फिर वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़ाय हो जाएंगे तो इसलिए पहले आप अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल नेम लेते हैं रजिस्ट्रार से और फिर उस नाम की बेसिस पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं उसके अंदर बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्रोपोस्ड कंपनी और जो सात सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे सी की कॉपीज़ हैं दूसरे जो एप्लीकेशन वगैरह हैं फीस का चलान है ये डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ लगाए जाते हैं ये डॉक्यूमेंट्स फिर रजिस्ट्रार के पास फ़ाइल कर दिए जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और फिर रजिस्ट्रार अगर सब कुछ ठीक होता है तो वो इशू कर देते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और ऐसा सर्टिफिकेट वो तब इशू करते हैं जब वो समझते हैं कि कंपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रही है फाइलिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल विद रजिस्ट्रार को अगर डिस्कस करें तो लॉ की ये रिक्वायरमेंट है कि देयर शेल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एन एप्लीकेशन ऑन स्पेसिफाइड फॉर्म यानी ये एप्लीकेशन ऐसे नहीं है कि आप एक सादा सफ़े पे लिख दें इसका एक बकायदा फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के हिसाब से आप एप्लीकेशन लिखेंगे जिसमें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके साथ अटैच किए जाते हैं नंबर वन डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद ऑल ऑफ़ द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी दू थाटीन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी आप एक डिक्लेरेशन देते हैं जिस पर साइन करके आप ये बताते हैं कि जी जो लॉ की रिक्वायरमेंट हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमने उनको पूरा किया है डिक्लेरेशन है कि आप अनाउंस करते हैं कंप्लायंस ये कि आपने उन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया है. तो आप एक वर्ड जैसे वर्ड एक पैराग्राफ लिख देते हैं आई हर बेडर अंडरटेक एंड uh, uh, promise that ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी दट टू 2017 have है इन रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन हैव बीन कम्प्लाइड विद फिर इसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जमा करवाया जाता है प्रोपोज कंपनी का जिसपे तमाम सब्सक्राइबर्स के साइन होते हैं सब्सक्राइबर जो उस मेमोरेंडम को रजिस्टर करवा रहे हैं ड्यूली विटनेस यानी साथ ही एक गवाह के साइन भी होते हैं और डेटेड भी होते हैं डेट भी मैंशन होती है फिर आर्टिकल ऑफ तो एसोसिएशन भी जमा करवाए जाते हैं लेकिन ये ऑप्शनल होते हैं फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए इन्हें भी सब्सक्राइबर्स जो है वो साइन करते हैं इन पर भी विटनेस के भी साइन होते हैं और डेट भी मैंशन होती है फिर एक एड्रेस भी प्रोवाइड किया जाता है कॉरस्पॉन्डेंस के लिए जब तक के कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस स्टेब्लिश और नोटिफाई ना हो जाए तब तक जो है रजिस्ट्रार को अगर कोई नोटिस भेजना हो या कोई बात पूछनी हो मजीद तो उसके लिए एक कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस यानी जो है वो भी बताया जाता है तो ये चार मेन रिक्वायरमेंट हैं फिर बाद इवन ज़रूरत पड़ सकती है कि हमें कुछ रिवाइज डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करवाने पड़ें या अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई डिफेक्ट है तो उसको रिमूव करना पड़े तो कुछ सिचुएशन में रजिस्ट्रार की अगर ये ओपिनियन है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट या इन्फॉमेशन है उसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल है जो लॉ के अगेंस्ट है या अदरवाइज़ जो लॉ की रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी नहीं हो रही या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं है किसी डिफेक्ट की वजह से एरर की वजह से या कोई ओमिशन यानी कोई इंफॉर्मेशन uh, मिसिंग है या वो प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड नहीं है फॉर एग्जांपल सब्सक्राइबर्स के साइन नहीं है डेट मेंशन नहीं है या विटनेस के साइंस जो हैं वो प्रॉपर नहीं है तो इन सारी सिचुएशन में रजिस्ट्रार जो है वो कंपनी को कह सकता है कि जी या तो आप कोई रिवाइज डॉक्यूमेंट जमा करवाएं अगर डॉक्यूमेंट इस नेचर का इतना ख़राब है कि जी उसको ठीक नहीं किया जा सकता या रिमूव कर दें डिफेक्ट और डेफिशेंसीज विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड अब जो डेफिशेंसी है वो बाजूकात रिमूव की जा सकती है फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी एक पर्सन का सी नंबर मैंशन नहीं था तो आप अगर वो नंबर मैंशन कर दें तो डेफिशेंसी जो है वो रिमूव हो गई डिफेक्ट जो था वो खत्म हो गया और बाद सिचुएशन में आप ये भी कर सकते हैं कि रिवाइज डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं तो वंस अगेन चाहे रिवाइज डॉक्यूमेंट जमा करवाया जाए और जो डिफेक्ट है अगर उसको रिमूव कर दिया जाए तो तब भी आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हो जाते हैं अब कुछ सिचुएशन में रजिस्ट्रार जो है वो रिफ्यूज कर देते हैं कि जहां पे एप्लीकेंट जो है दे फेल टू रिमूव द डेफिशंसीज कन्वेड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड तो रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी को रिफ्यूज कर सकते हैं ऐसी सूरत में जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है वो फिर एस यानी कमीशन के पास अपील फाइल कर सकते हैं अच्छा अपील जो है वो सारे मिलकर भी कर सकते हैं और एनी वन ऑफ देम ऑथराइज बाय देम यानी अगर पावर ऑफ अटॉर्नी ले ले तो उनमें से कोई एक भी कर सकता है अपील हमेशा इन राइटिंग होगी विद इन थर्टी डेज होगी ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल के और एस सी सी पी को की जाएगी अब इस सिलसिले में जब एस सी सी पी का कोई भी जो ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा और इवन उसको किसी कोर्ट या किसी अदर अथॉरिटी में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता कई मामला ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर आपको लगता है कि रजिस्ट्रार या जो एस ने सही प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो आप उनके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं लेकिन दो मैटर्स खासतौर पे बेसिक लेवल पर ऐसे हैं जिनमें आप एस सी पी के अगेंस्ट कोर्ट में जा ही नहीं सकते एक कंपनी की रजिस्ट्रेशन और एक कंपनी के नाम के मामले पर क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो अगर रजिस्ट्रार सेटिसफाइड हैं कि तमाम रिक्वायरमेंट जो कंपनीज एक्ट की हैं वो पूरी हो गई हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं उनके साथ भी कंप्लायंस हो गई है तो वो फिर रजिस्टर कर लेते हैं कंपनी का मेमोरेंडम एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जो उनको डिलीवर किए गए अब बेसिकली कंपनी के मेमोरेंडम को रजिस्टर करने का मतलब है कंपनी को रजिस्टर करना तो जब एक रजिस्ट्रार ये समझते हैं कि जिस तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली उनके पास सबमिट करवा दिए गए हैं तो वो इसके एविडेंस के तौर पर एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है तो ऑन रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रार रजिस्टार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दैट शेल स्टेट अब इस आ, जो डॉक्यूमेंट है इस पर क्या क्या लिखा होता है नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी अच्छा कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो वैसे ही है जैसे आपका यूनिक सी एन आई सी नंबर है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैंशन होती है कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है ये बात पता चल रही होती है लिमिटेड है या अनलिमिटेड है

क्लूसिव एविडेंस एक रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट टू थाउंडीन एज टू रजिस्ट्रेशन हैव बीन कम्पलाइड विद एंड दैट द कंपनी इज ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर दैट यानी अगर एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोशन इशू हो जाता है तो इसका मतलब है कि कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है फिर उस पर कोई डाउट नहीं रहता वो एक कंक्लूसिव एक फाइनल एविडेंस कंसिडर होता है तो एक स्पेसिमिन आपके साथ डिस्कस करते हैं ये एक सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्परेशन है जो ऑरिजिनल है हमने इसको गूगल से लिया है इसमें अगर आप नोटिस करें तो टाइटल वगैरह मैंशन है एक तो इसका सर्टिफिकेट नंबर है ऊपर साथ ही अगर आप देखें तो एक कॉरपोरेट यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो ये बेसिकली कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है जिस जिस तरह हमारा सी एन आई सी नंबर होता है इसमें कंपनी का नाम मेंशन है प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ आ रहा है तो वो पता चल रहा है कंपनी लिमिटेड है और लिमिटेड बाय शेयर है और इसमें जाहिर बात है कि जो डेट मेंशन है फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड नाइनटीन और फीस मेंशन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिग्नेचर हैं रजिस्ट्रार के और ऑफिशियल सील भी लगी हुई तो ये स, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है और जब आपके पास ये सर्टिफिकेट आ जाता है तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है और उसने जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड तमाम रिक्वायरमेंट है कंपनी दै 2017 की उनको पूरा कर लिया है दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव अ गुड डे